मैं आपको बता दूं, इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब परिवहन निगम में भर्तियां आयोग के माध्यम से की जाएंगी। जो हमारे समूह खा के अधिकारी हैं उनकी भर्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। हमें कैबिनेट से उसका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। जो समूह घ की भर्तियां हैं उनकी भर्तियां अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी। इस पर भी हमें कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। हम लोग नियमावली में एक संशोधन की प्रक्रिया है वो उसका हम लोग प्रस्ताव आज शासन को भेज दिए हैं। उम्मीद है कि जैसे ही उस पर हमें अनुमति प्राप्त होती है हम लोग लोक सेवा आयोग को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को अधियाचन भेज देंगे और हमें जो मैन पावर है जो कार्मिक हैं वो उच्च कोटि के मिलेंगे। चूंकि आयोग से इनकी नियुक्तियां होंगी तो आने वाले 50 वर्षों में परिवहन निगम को बेहतरीन एक हैंड्स प्राप्त होंगे और परिवहन निगम का भविष्य उज्ज्वल होगा। मृतक आश्रित हमारे परिवहन निगम के परिवार के सदस्यों की तरह हैं। कुछ वर्षों से उनकी नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि परिवहन निगम हानि में था, लाभ में नहीं था। क्योंकि शासकीय व्यवस्था ये है कि जब भी कोई निगम लाभ में आए तभी आप नई नियुक्तियां कर सकते हैं। इसी आधार पे उच्च स्तर से ये बात की गई थी कि परिवहन निगम के लाभ में आते ही आप प्रस्ताव ले आए। ईश्वर की कृपा से इस वर्ष हम लोग 125 करोड़ से ज्यादा के लाभ में हैं। तो यह सबके लिए, हम सबके लिए एक सुखद अनुभव है कि अब हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मेरा उन लोगों से यह अनुरोध रहेगा कि शासन में हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का उल्लंघन कर करके कार्रवाई नहीं की जा सकती, नहीं तो अराजकता हो जाएगी। हर चीज की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में हम लोग चूंकि लाभ में आए हैं लेकिन हमारे कह देने से लाभ नहीं हो जाएगा। उसके लिए एक स्थापित व्यवस्था है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सत्यापित करेगा कि जो हम लोग कह रहे हैं, जो हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि हम इतने लाभ में हैं, उसका एक थर्ड पार्टी ऑडिट हो। वो ऑडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें मिल गया है। 30 सितंबर तक हमें फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हम उसको शासन को उपलब्ध करा देंगे। चूंकि ये महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसपे कैबिनेट से अनुमोदन होना है तो हमारे उच्च स्तर पे प्रमुख सचिव साहब हैं, माननीय मंत्री जी हैं, सभी पॉजिटिव हैं कि जैसे ही प्रस्ताव आता है निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको कैबिनेट ले जाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने में इसमें पॉजिटिव न्यूज मिलेगा। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि सहयोग करें, आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, परिवहन निगम भी आपके साथ खड़ा है। महाकुंभ एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, एक बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग प्रयागराज आते हैं आध्यात्मिक भावना से। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए महाकुंभ को दृष्टिगत रखते हुए बसों की फ्लीट के नवीनीकरण के लिए उपलब्ध कराए हैं। इसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हमारे टेंडर फ्लोट हो चुके हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि आने वाले श्रद्धालुओं को बिल्कुल आध्यात्मिक भावना हो, उनके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसके लिए हम लोग बसों को न केवल बल्कि ड्राइवर कंडक्टर सबको इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को समस्या ना हो और उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभूति हो। गो लाइव की शुरुआत मुझे लगता है कि हमारा नवदुर्गे की शुरुआत होगी 2 अक्टूबर से, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी अवधि में हम लोग जो भी हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या इनोवेशन हुए हैं उसको गो लाइव